हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:15 बजे, और अभी मैं आ रखी हूँ अपने पॉली हाउस पे सब्जी लेने के लिए। तो यहाँ पे ये पालक कुछ ऐसा हो रखा है क्योंकि बहुत दिनों से इसमें ना पानी नहीं लगा रखा है, जिस दिन से हमने यहाँ गुड़ाई करी थी। और वहाँ पे वैसे ही खाली छोड़ रखा है क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ नहीं बो रखा है। तो अभी मैं यहाँ पालक लेने के लिए आ रखी हूँ सब्जी के लिए। सब्जी भी निकाल दी है, तो अब चलते हैं घर की। और आज धूप ना काफी ज्यादा बढ़िया लग रखी है, और यहाँ पे हमने ना कुछ नहीं बो रखा है, तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या बोएंगे। बाकी वहाँ पे तो पालक है और वहाँ पे थोड़ा धनिया। बाकी ये रहा सब्जी के लिए। शुद्धिकरण पूजा है, जिसको कि गढ़वाली में बोलते हैं जग्गी, और इसलिए आज हमारा नाश्ता काफी लेट बन रहा है। मतलब रोटी तो थोड़ी देर पहले ही बना दी थी सलोनी ने, तो सलोनी उसके बाद चले गई थी ऊपर की गौशाला। बाकी अब मैं थोड़ा हरी सब्जी बना रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही पंडित जी आ रहे हैं। बाकी तब तक मैं थोड़ा फटाफट से ना पापा के लिए सब्जी बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना तेल भी रख डाल दिया है फ्राई में गर्म करने के लिए। बाकी ये रही सब्जी, तो फटाफट से बना देती हूँ सब्जी। बाकी माँ अभी जा रही है साई पिंडा देने के लिए, तब तक जग्गी भी हो गई है और पंडित जी भी चले गए हैं। बाकी मैं यहाँ ना लोटा और जो पंचगर्भ होता है उसको लेने के लिए आ रखी थी, तो थोड़ी देर में ना इसको जिसमें जग्गी हुई उसको भी बाहर रख लेंगे। और जो ये यहाँ पे चावल और आटा है ना, ये पंडित जी के लिए होता है आमनी। तो पहले मैं ना ये लेके जाती हूँ, जिसको कि पूरे कमरे में छिड़कना है। टाइम 12 बजने वाले हैं और हमारा नाश्ता भी हो गया है। और पापा तो खैर थोड़ी देर पहले ही चले गए थे, और माँ अभी चले गई है पॉली हाउस की साइड, क्योंकि वहाँ हमने ना कुछ बो भी नहीं रखा था और बहुत दिनों से वहाँ पानी भी नहीं लगा रखा है। और पॉली हाउस के अंदर ना मतलब हफ्ते में 2-3 दिन तो पानी लगाना ही है, क्योंकि वहाँ ना काफी ज्यादा गर्म होता है और आजकल धूप भी हो रही है, तो इस वजह से मतलब हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पानी लगाना पड़ रहा है। तो बहुत दिनों से वहाँ पानी भी नहीं लगा रखा, तो अभी माँ वहीं जा रखी है, शायद वहाँ बीन्स लगाएगी। और अभी मेरे को जाना है जहाँ हमारा पुराना मकान था ना, वहाँ एक भकुआ का पेड़ है, तो उसी का घास लेने के लिए जाना है, एक पुली घास लेने को। और क्या अभी टाइम 12 बजने वाले हैं, तो अभी मैं चलती हूँ सीधे ऊपर। और बाहर धूप पहुँच गई है, धूप भी ना यहाँ पहुँच गई है। और गुन्नू जा रखे ऊपर छत में, क्योंकि गुन्नू पे भी काफी ज्यादा आफत आ रही है और बंदर ना यहीं घूम रहे हैं। मतलब इधर की साइड आ रहे हैं तो गुन्नू इधर भाग रहा है, और इधर की साइड आ रहे हैं तो गुन्नू वहां भाग रहे हैं। तो अभी घर पे तो गुन्नू है, बाकी माँ भी घर ही पे है। तो अभी मैं फटाफट से पहले ऊपर चलती हूँ, घास लेके आ जाती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी मैं घास लेके भी आ गई हूँ, और माँ ना जो हमने बाहर पे लहसुन लगा रखे है बाहर की सुगड़े में, तो वहाँ गुड़ाई कर रही है। और अभी मेरे को ना कपड़े धोने हैं क्योंकि कल से बहुत ही ज्यादा कपड़े हो रखे हैं, मतलब जो कल मैंने पहने थे वो वाले, और आज सुबह के भी है, माँ के हैं, पापा के हैं और मेरे भी हैं। तो 2 बाल्टी कपड़े भिगो के रखे हैं मैंने अभी, तो अभी फटाफट से पहले ना इनको धो लेती हूँ। तो थोड़ी देर में ना सलोनी भी आ जाएगी, क्योंकि अभी टाइम 12:30 बज चुके हैं, तो फटाफट पहले कपड़े कुपड़े धोती हूँ। अभी हमारा खाना भी बन चुका है यार गोलू,
अभी हमारा खाना भी बन चुका है, तो आज खाने में ना कढ़ी चावल है, जुराब क्योंकि लगाया भाभी। नहीं तो क्या तो ठंडा लग रहा ना, इसलिए मैंने मोजे भी पहन रखे हैं। बाकी हम दाना ना यहाँ बाहर पिला खराब रखे हैं होगी खाना यू को भी दिमाग खराब कर रही हो। तो यहाँ पे ये यहाँ पे मैं भोजन ग्रहण कर रही हूँ। श्रीमती सलोनी श्रीमती देवी, तो ही बोले सलोनी श्रीमती यहाँ पे खाना खा रही है। मेहमान बाकी ये कम रही मेरी थाली, तो मस्त से। खैर धूप तो खैर देखो यहाँ चले गई है, जैसे ही हमारे घाव में धूप लगने वाली होती है वैसे धूप ऊपर 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 की साइड चले जाती है। तभी फटाफट से खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बड़ो बड़ो पहचान लो इसको। शाम के 5 बज चुके हैं और अभी मेरी और गुंडू की तैयारी ऊपर गौशाला जाने की। बाकी सुबह के टाइम पे सलोनी जा रखी थी, तो अभी मेरे को जाना पड़ रहा है क्योंकि नानी तो नहीं जाती है। और जिस दिन बोलेंगे उसको जा जा, उस दिन भी मतलब जिस दिन उसकी अगर इच्छा होगी ऊपर साई जाने की तब जाएगी। बाकी आज भी बोल रहे थे लेकिन आज भी नहीं आई है। तो अभी मैं और गुन्नू जा रहे हैं, बाकी हम गेट से ऊपर पहुंच चुके हैं। और गुन्नू रहा ये, अरे गुन्नू, गुन्नू पता नहीं क्या देख रहा है, बाकी नीचे हमारा गांव रह गया है। तो अभी फटाफट ना ऊपर साई को चलते हैं। और गांव की धूप तो चली गई है लेकिन ऊपर की साइड ना काफी ज्यादा बढ़िया धूप लगी हुई है, क्योंकि बर्फ भी पड़ी हुई है और बर्फ इतनी अच्छी लग रही है ना, क्योंकि धूप अभी जाने वाली है। और अभी के टाइम पे ना अलग ही धूप लग जाती है, मतलब लाल धूप लगती है ऊपर की साइड, तो काफी ज्यादा चमक रही है जो बर्फ पड़ी हुई है, तो काफी बढ़िया भी लग रहा है। और अभी टाइम 5 बज चुके हैं, तो अभी फटाफट ऊपर साई को चलते हैं और मिलते हैं आपको ऊपर साई पे पहुंच के। अभी यहाँ का काम करने के बाद चल रहे हैं हम अब घर को, क्योंकि टाइम भी 6 बज चुके हैं और अंधेरा भी होने ही वाला है। और घर जाते टाइम में ना थोड़ा लकड़ियाँ लेके जा रही हूँ, तो अभी चलते हैं घर को। अजय गुन्नू, तो गुन्नू देखो, गुन्नू को तो सबसे बढ़िया है यहाँ पे बैठ के सब जगह देखने के लिए। तो अभी फटाफट से घर को चलते हैं। अभी टाइम 6 बज चुके हैं और अभी हम ऊपर अपनी गौशाला से आ गए हैं। और गुन्नू ना जगह जगह भाग रहा है, मतलब अभी उसको ना मुर्गे दिख रहे होंगे, खेतों में आ रखे होंगे अभी, तो वो उन्हीं के पीछे भाग रहा है। बाकी अंधेरा तो हो ही चुका है हल्का। अच्छा गुन्नू, और जो दादी लोग रहते हैं ना यहाँ ऊपर, मतलब हमारी साई से ऊपर की साई जिनकी साई गौशाला है ऊपर, तो वो भी चले गए हैं शायद। और आज मैं और गुन्नू सबसे लास्ट में जा रहे हैं, क्योंकि घर से भी थोड़ा लेट ही आए थे। तो अभी फटाफट से घर को चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधे घर पे पहुंच के। और अभी ना सामने के गांव में लाइट ऑन हो चुकी है, सगर गांव में भी और गंगुल गांव में भी। और ये गुन्नू घर जाने का नाम नहीं ले रहा है। गुन्नू चलो,